दोस्तों स्वागत करता हूं ट्रेंडिंग मार्केट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे यस बैंक के ऊपर जो न्यूज अपडेट आए हैं उसके बारे में, और इसने एक ईयर्स में कमाल का रिटर्न्स देखने को मिला है। जो देखे तो एक समय ये कंपनी 400 रुपये के पास हुआ करता था, लेकिन आज ये काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रही है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, फुल एनालिसिस करेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों देख सकते हो 20.90 रुपये के पास ये पहुंच चुका है, 21 रुपये के पार पहुंच गया है। लेकिन एक समय ये स्टॉक देखे तो 400 रुपये के आसपास ये पहुंच गया था, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी लॉस चली गई, ये बैंकिंग सेक्टर का ये शेयर लॉस में चली गई। लेकिन अब देखे तो धीरे धीरे ये बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है, और वन ईयर्स की रिटर्न्स की बात करें तो वन ईयर्स में इसने लगभग ठीक ठाक रिटर्न्स देखने को मिला है, और बेहतर 49% का इसने रिटर्न्स दिया है। सिक्स मंथ की बात करें तो देख सकते हो 63% का रिटर्न्स देखने को मिला है, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। और वन मंथ की बात करें तो 22% की तेज़ी देखने को मिला है, लगातार अपर सर्किट देखने को मिला है। तो दोस्तों ऐसे शेयर को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हो तो आने वाले कुछ दिनों में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। लॉस में गई थी ये कंपनी, काफ़ी ज़्यादा लॉस में 2020 में काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली गई थी, लेकिन अब देखें तो इसका 2022 में फाइनेंशियल ईयर भी काफ़ी बेहतर देखने को मिला है, और लगभग इसने पैसा को 12 रुपये का ही तक लॉस में गया था, 12 रुपये के पास पहुंच गया था, लेकिन अब देखे तो लगभग 2 गुना कर दिया है पैसे को। वहीं आप 5 डेज में देख सकते हो 20% की तेज़ी देखने को मिला है, और 1 डेज की बात करें तो 1 डेज में भी लगभग 6% की तेज़ी देखने को मिला है, जो कि आप देख लो काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यस बैंक लिमिटेड NSE की वेबसाइट पर आए हैं, और आप यहाँ देख सकते हो 20.85 रुपये, और ओपन हुआ था ये 19.95 रुपये, हाईएस्ट इसने 21.20 रुपये, और लो की बात करें तो देख सकते हो 19.65 रुपये देखने को मिला है। और आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग यहाँ पर काफ़ी हद ज़्यादा वाई क्वांटिटी सेल हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 57 करोड़ के आसपास देखने को मिला है वाइनिंग, और क्वान्टिटी जो सेल हो रही है लगभग 76 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग वाई और सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी ट्रेडिंग जो हो रही है 77 करोड़ 43 हज़ार के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते 52 वीक हाई की बात करें तो अब तक का देख सकते आज का जो ट्रेडिंग हुई है 21.20 रुपया हाईएस्ट देखने को मिला, 12 दिसंबर आज का डेट भी दिया हुआ है, देख लो काफ़ी बेहतर देखने को मिला। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो यहाँ पर देख सकते 12.10 रुपया देखने को मिला है, काफ़ी बेहतर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला है। और डिलीवरी में जो माल उठाया गया है 16 करोड़ लगभग 17 करोड़ के आसपास ये माल उठाया गया है डिलीवरी में, अपन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये लगभग 23% 24% के आसपास देखने को मिला है। और ट्रेडिंग क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ है 71 करोड़ 36 लाख के आसपास देखो तो क्वांटिटी ट्रेड देखने को मिला है। तो ऐसे शेयर अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी थी ये बैंकिंग सेक्टर, लेकिन अब ये धीरे धीरे बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या ये आने वाले दिनों में क्या ये शेयर खरीदने लायक है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यस बैंक लिमिटेड, और यहाँ पर इंट्रेंसिंग वैल्यू की बात करें तो ये आप देख सकते हो ROCFD डाउन देखने को मिला है, यहाँ पर आप देख लो डिविडेंड भी अभी फिलहाल दे नहीं रही है कंपनी, काहे कि लॉस में है ये कंपनी, और एंट्री पॉइंट भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख लो ये एक अच्छी बात है कि ये कंपनी ना ESM में है ना ही ये GSM में है, जो कि अच्छा माना जाता है। और ये मेन पॉइंट आप देख सकते हो, सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी 2019 में ठीक ठाक प्रॉफिट में हुआ करता था, लेकिन 2020 में ये काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल गया था, लेकिन अब यहाँ देखें 2021 में अपना लॉस को भी कवर करना शुरू कर दिया, और 2022 में देखें तो कंपनी की प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी हुई है, रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी संकेत देखने को मिला है इस कंपनी में। और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर प्रतिदिन न्यूज आ रहे हैं, 2 हफ्ते पहले की न्यूज है बिजनेस टुडे पे, 21 बैंक शेयर क्लेम 4%, और ये यहाँ पर देख सकते हो 21 रुपये के आसपास ये ट्रेड करने लगी है, तो जो कि आप यहाँ देखिए प्रतिदिन न्यूज अपडेट आ रहे हैं और प्रतिदिन इसके जुड़ा हुआ न्यूज अपडेट आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज अपडेट आए हैं। यहाँ पर देख सकते हो हिंदुस्तान न्यूज की है, 14% चढ़ गए यस बैंक के शेयर, 2 साल के हाई के करीब पहुंच गया भाव, इस खबर का असर है। तो ये देख सकते हो प्रतिदिन इस कंपनी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, और जो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये शेयर अभी भी अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है कि यह शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी यस बैंक 20 रुपये के पास पहुँच गई है, और यहाँ पर BSE NSE दोनों पे है,
और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आप देख सकते हो 52,000 करोड़ से भी एबव का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करेंट प्राइस 20 रुपये, और हाई और लो की बात करें 12 रुपये का स्टॉक अभी तक 21 रुपये हाई लगा गया है, और स्टॉक पी अभी देखें तो काफ़ी ज़्यादा देखने को, बुक वैल्यू 13 रुपये देखने को मिला है। डिविडेंड अभी फिलहाल कंपनी पे नहीं कर रही है। आरओसी आरओई की बात करें तो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, और फेस वैल्यू 2 रुपये, और प्रमोटर इसमें से पूरे के पूरे पैसे निकाल रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं 0 है। अभी प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है, लेकिन आप यहां डेट ऑफ इक्विटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी पे अभी कर्ज है। धीरे धीरे ये लॉस को रिकवर कर रही है ये कंपनी, और नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ से भी एवं का नेट प्रॉफिट हुआ है, और वॉल्यूम देख सकते हैं काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं। और सेल्स की बात करें 20,455 करोड़ का इसका सेल्स है कंपनी पे, काफ़ी ज़्यादा कर्ज देखने को मिला है। रिजर्व की बात करें तो लगभग 28,731 करोड़ का इसका रिजर्व देखने को मिला है, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है तो ये काफ़ी कम अभी फिलहाल रिजर्व देखने को मिला है। 1 ईयर्स में 36% का रिटर्न फिलहाल दिया है कंपनी। अर्निंग पर शेयर भी काफी कम देखने को मिला है, और टोटल एसेट्स की बात करें तो आप यहां देख सकते हो 3,18,000 करोड़ का आसपास टोटल एसेट्स देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो आप इस शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बार खुद से एनालिसिस करें तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।